94 न्यूज, हम बनेंगे आपकी आवाज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज 26वीं रात है जी, 26वें रोज़े की जो है ये सहरी का अहतमाम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों देगें जो हैं ये पकाई जा रही हैं। तो 1 लाख अफराद की जो सहरी है इंशाल्लाह ताला वो आज हम यहाँ पे करवाएंगे, और जो लोग यहाँ पे आके बैठ के सहरी करेंगे इंशाल्लाह उनको यहाँ पे करवाएंगे, और जो लोग साथ घरों में ले जाना चाहते हैं उनको पैक करके भी देंगे। और इसी तरह हमारे पास जो लिस्टें मौजूद हैं, हमारे कारकुनान जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके घरों तक सहरी जो है वो पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला जी। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस दिन से रमज़ान का आगाज़ हुआ उस दिन से हमने सहरियों को जो है ना वो शुरू किया है, और ये हमारी आज ग्रैंड सहरी है, बड़ी सहरी है। वैसे हम अपने अपने इलाकों की सतह पर ये कर रहे थे, तो इससे ज़्यादा कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक सहरी नहीं है, इस तरह के पॉइंट पूरे लाहौर में 5 हैं जो आज हमारे बड़े हैं, और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कोई 500 से ज़ायद हमारे वो पॉइंट है जो छोटे हैं, जिसमें 1 देग 2 देग 3 देग पका के हमारे जो रजाकार हैं वो इलाकों में तकसीम कर रहे हैं जी। वो तो हज़ारों में तादाद है जी। आप यहाँ पर देख लें माशाल्लाह, ये जो मंजर है अगर आपका कैमरा दिखाए तो ये जो सारे कारकुन हैं ये वही हैं जो सुबह इलाकों में ले जाकर सहरियाँ तकसीम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1000 से ज़ायद कारकुन की तादाद है जो जाके इलाकों में मेगाफोन के जरिए सहरियाँ तकसीम करते हैं, ऐलान करते हैं। ये सारे फीसबिल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, कोई बंदा इनमें तनख्वाह पे नहीं है जी, सारे फीसबिल्लाह जी। ये सिलसिला इंशाल्लाह 30 रमजान तक चलेगा, और फिर इसके साथ साथ खुशी की बात यह है कि जिस दिन ईद होगी ईद की नमाज़ पढ़ के चिकन कोरमा, बीफ कोरमा, साथ जर्दा पुलाव, ये सारा खाना जैसे हम खुद खाते हैं वो हमारे कारकुन खाना लेके उन लोगों के घरों में जाएंगे जिनको हमने सहरियाँ करवाई हैं। ईद वाले दिन ये खाना इंशाल्लाह हम उनको साथ खिलाएंगे जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तौफीक से है, जब से ये कोरोना का सिलसिला बना था तब से हमने शुरू किया है और अभी तक कर रहे हैं। और अभी तक इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो बेचारा गरीब है वो गरीब तर हो गया है, और इस वक्त लोग इतने मजबूर हैं कि फाकों की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ये भाई अल्लाह के फजल करम से उनके दरवाज़ों पे जा रहे हैं, उनकी लिस्टें बना रहे हैं, उन तक राशन भी मुहैया कर रहे हैं और साथ साथ ये खाना भी दे रहे हैं जी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास ये जो सारे मामलात हैं ये करोड़ों में हैं, लेकिन अल्लाह के बहुत बंदे हैं जो इस खैर के काम में खर्च करते हैं। आज का भी ये खाना बहुत सारे भाइयों ने मिल के हिस्सा शामिल करके तो ये खाना तैयार करवाया, और जो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आज लोगों को सहरी करवाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, नासिर महमूद गुमा मेरा नाम है, PP173 से मैं मरकजी मुस्लिम लीग का उम्मीदवार हूँ, सुबह शामिल का पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 ग्रैंड सहरियों के मकाम मुख्तलिफ पे काम हो रहा है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में कारकुन काम कर रहे हैं, लाखों के लोगों के लिए सहरी बनाई जा रही है। यहाँ पे ये ग्रेटर इकबाल पार्क की पार्किंग में जो हो रहा है, यहाँ पे कोफ्ते और आलू हैं और साथ में पराठे हैं, साथ में यहाँ पे जनाब भठूरे हैं जो वामनास के लिए बनाए गए हैं। अफ्तारी थी पहले तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग थे, जिसमें बिरयानी थी, फल था और खजूरें और शरबत वगैरह था। इसके अलावा जो आवाम आ रही है सबके लिए शरबत और चाय वगैरह का इंतज़ाम किया गया जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जी हमारा जो पैटर्न है जो यहाँ पे पक रही है सारी, ये एक तरगीब के लिए दूसरी जमातों के लिए कि आप भी इस चीज़ों में खैर के कामों में शामिल हो। वैसे जो हमारा तकसीम का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह UC लेवल तक लिस्टें बनी हुई हैं, लोगों के घरों तक जाके हमारे कारकुनान उनके दरवाजे पर दस्तक दे के फिर उनको देते हैं, ताकि उनकी खुददारी भी हट ना, उनको औरतों को और जो बुज़ुर्ग हैं उनको गलियों में आके रिसीव ना करनी पड़े। चंद एक पॉइंट पे हम मज़दूरों के लिए भी लगाते हैं, वहाँ पे जो लेबर क्लास है वो लेके जाती है कि ज़्यादातर जो है वो डोर स्टेप पर देकर। ये रकम यकम रमज़ान से ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, ये तकरीबन ये 1.5 लाख के करीब अप्रॉक्सीमेट जो लोगों को जनाब अल्हम्दुलिल्लाह दी जा रही है सहरी, और जो अफ्तारी है वो भी तकरीबन इसी के लगभग तादाद है जिस लोग से अफ्तारी कर रहे हैं, उसके भी तकरीबन काफ़ी सारे सैकड़ों पॉइंट है जहाँ पे अफ्तारी कराई जाए। ये सहरी का सिलसिला तो रमज़ान तक ही लाजमी जारी रहेगा, उसके अलावा जो
दस्तरखान है हमारे मुख्तलिफ जगह पे चल रहे हैं, जिस तरह मैं PP173 से हूँ, वहाँ पे दोपहर को खाना दिया जाता है लोगों का, और अलहमदिल्ला मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से जहाँ वो चल रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, वो भी दस्तरखान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तान और ये जो पंजाब है, इस मनार पाकिस्तान लाहौर का दिल है। जो आप ये देख रहे हैं कि पूरे लाहौर के अंदर हमारी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से मुख्तलिफ पमाइश पॉइंटों के ऊपर सहरी का इंतज़ाम किया गया है, और इसी तरह के हमारे लाहौर में PP146 के अंदर ये सहरी का एक बहुत बड़ा अजीम इंतज़ाम किया गया है, जिसके लिए तमाम लाहौर के लोगों से हम कहते हैं आएँ और यहाँ सहरी करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये वो वाहद जमात है जो खिदमत इंसानियत के ऊपर पूरा पूरा अपना जोर रखती है, कि हमारा एक ही मिशन है कि खिदमत इंसानियत। हम लोग पहले काम करते हैं फिर बताते हैं, हम बातें नहीं करते। जैसे कि हमारी जमात का एक अज़म है, आज आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सहरी का एक प्रोग्राम हो रहा है और कम अज़ कम 250 से ऊपर देगे पक रही हैं और हज़ारों बल्कि लाखों लोगों की ये सहरी होगी। इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह लोगों की खिदमत इंसानियत करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे आप देखते हैं पहले दिन से लेकर जब से पहला रोज़ा आया है, हम पूरे लाहौर में हमारे पूरे PP146 में डोर टू डोर हर जगह पे हमारी सहरी जा रही है, और आज भी इंशाल्लाह ताला हमारी घरों में, मुसाफिरखानों में, हस्पतालों में, जहाँ पर भी होगा, जैसे लाडी डे का बाज़ार है, जैसे रेलवे स्टेशन का इलाका है, इसी तरह हमारा पूरे लाहौर में जहां पर भी हमारी जमात का हर कारकुन इस काम में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर लोगों को उनके घरों तक सहरी पहुंचाते हैं। निराहीम, आज पूरे लाहौर में मेरे मोहतरम के हुक्म के मुताबिक 5 लाख लोगों अफराद की सहरी का अहतमाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ पॉइंट हैं हमारे, इंशाल्लाह ताजर बरादरी दोस्त वाब ये हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं जो लाखों में सहरियाँ तकसीम करते हैं मुख्तलिफ जगह पर। हमारी NC में PP146 के ज़िम्मेदार भाई हैं, हाशम भाई हैं, तलहा भाई हैं, इसके साथ मनवर मस्जिद है, पाथी ग्राउंड, दिलवमा रोड है, और PP146 में जितने भी लोग हैं इन्होंने पॉइंट लगाए हुए हैं। मुख्तलिफ लोगों के मैंने देखा है घर जाके इनके साथ विज़िट किया है, माएँ बहनें बेटियाँ घर के बुजुर्ग 2:30 बजे इनके इंतज़ार में होते हैं कि कब सहरी आए, और अल्लाह के रास्ते के लिए ये काम कर रहे हैं। और जितना भी ये रिज़क आज अल्लाह की तरफ से ये हमारी जमात ने ये जो एहतमाम किया, इंशाल्लाह आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में पहुँचाएँगे, इसका फ़ायदा मेरे मोहतरम के हुक्म के मुताबिक इंशाल्लाह हम सबकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम, मेरा नाम है UC173 से मेरा तल्लुक है हबीबला रोड, और मैं माशाल्लाह 200 अफराद के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सहरी तकसीम कर रहा हूँ अपने इलाके में। वो दोस्त, वो भाई जो गरीब हैं, ये सहरी का इंतज़ाम नहीं कर सकते, उनके घरों में सहरी पहुँचाते हैं अमीर साहब के हुक्म के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास अहमद नाम है मेरा, और UC60 से मेरा ताल्लुक़ है किला लक्ष्मण सिंह यहाँ से, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग से के प्लेटफार्म पर जो है हम चेयरमैन, नामजद चेयरमैन हूँ। और आज के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आज यहाँ पे ग्रैंड सहरी का अहतमाम किया गया है मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि पूरे पाकिस्तान में हमारे कारकुनान हर इलाका, हर गली में सहरी और अफ्तारी का अहतमाम कर रहे हैं, और उन घरों में जाके सामान दे रहे हैं, सहरी का सामान दे रहे हैं जहाँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और ये हमारे मंशूर, हमारे मैनोफेस्टो जो में सबसे जो सरफरिस्त बात है कि हम खिदमत इंसानियत के लिए इंशाल्लाह सियासत के प्लेटफॉर्म पे आए हैं और लोगों की खिदमत करते रहेंगे, और उसी के नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे सहरी का अहतमाम किया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ पर जो है तकरीबन कोई 1.5 लाख अफराद के लिए हमने सहरी का अहतमाम किया है, और इसके अलावा ये टीमें यहाँ पर आएँगी हमारी जो मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगी लाहौर के, और जाके अपने भाइयों, अपनी बहनों के लिए सहरी का तमाम जो है जिन्होंने नहीं किया या किया भी है, हम उनको इंशाल्लाह ये दे के जाएंगे। हम इंशाल्लाह यहाँ पे जो मुसाफिर लोग हैं, अटेंडर हैं, उनको भी दावत दी है, और मीनार पाकिस्तान में जितना स्टाफ है या लोग तफरी के लिए आए हैं उनको भी इंशाल्लाह, और तमाम पूरे लाहौर में तमाम NCs में हमने लोगों को मदऊ किया है कि यहाँ पर आएँ और मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर आके हमारे साथ शामिल हों, और ये एक दावत की है हमने। ये यकम रमज़ानुल मुबारक से ऑनवर्ड ये चल रहा है सिस्टम, और ये यहाँ पे नहीं, हम ग्रैंड सहरिये भी कर रहे हैं, अफ्तारिये भी कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे वॉलंटियर जितने भी हैं वो हर इलाके में इंशाल्लाह वो खिदमत कमेटीज़ के नाम पे मौजूद हैं और अपने भाइयों की ये वाज़ह कर रहे हैं। चैनल
को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।